मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज एक अनूठी पहल। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है उद्देश्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रेन नर्सरी टीचर संघ को उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार का दिया आश्वासन। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से की भेंट। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां लगातार जारी। योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में इन दिनों कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर शिमला में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आज से शुरू। विशाल नगर कीर्तन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी की शिरकत। ऊना के आयुर्वेदिक अस्पताल में लगाया गया चिकित्सा शिविर। मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर बांटी गई निशुल्क दवाइयां। बिलासपुर जिले के कुठेड़ा में आज एक विशाल युवा सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें जाने माने समाज सेवी हरीश नड्डा ने विभिन्न युवकों मंडलों को खेल किटे की वितरित, नशे से दूर रहने का किया आह्वान। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष कल रात शिमला में संपन्न। 15 देशों के 425 से अधिक साहित्यकारों व लेखकों ने लिया भाग। चंबा जिले के अछुए पर्यटन स्थलों से पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए आयोजित की गई रैली ऑफ चंबा का आज समापन। देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। ऊना इंदिरा मैदान में जिला स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन के लिए हुआ ट्रायल। अभ्यास कैंप के लिए 30 खिलाड़ियों का हुआ चयन।